भिलाई शहर में बन रहे फ्लाईओवर पर सुपेला में पार्किंग स्थल बनाने को लेकर आज एनएच की टीम व नगर निगम आयुक्त ने सुपेला व्यापारियों के साथ सुपेला फ्लाईओवर के नीचे जगह का निरीक्षण किया। फिलहाल 1 फरवरी तक 3 स्पॉन्स का ट्रायल बेसिस पर पार्किंग स्पेस का डेवलप किया जाएगा। नेशनल हाईवे निर्माणाधीन कंपनी द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण भिलाई में किया जा रहा है। बन रहे फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग स्पेस डेवलप करने को लेकर दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने निर्देश दिए थे। बन रहे फ्लाईओवर के नीचे शहर के कई चौक चौराहे व बाजार आते हैं, जिसके कारण बाजार में आए नागरिकों को रोड किनारे पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं को लेकर सुपेला के व्यापारियों के द्वारा पूर्व में कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एनएच के अधिकारी व भिलाई निगम के आयुक्त के द्वारा सुपेला फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसके लिए एनएच की टीम व नगर निगम की टीम और व्यापारीगण ने स्थल निरीक्षण कर प्लानिंग कर 1 फरवरी तक ट्रायल करेंगी। नेशनल हाईवे का जो यहाँ पर कार्य चल रहा है उसी का हम लोग निरीक्षण करने आए थे। व्यापारियों की मुख्य मांग ये है कि पार्किंग के लिए स्पेस जो है मार्केट एरिया में कम पड़ता है, तो एनएच की टीम के साथ संयुक्त रूप से कलेक्टर साहब ने यहाँ पर दौरा किया था और कलेक्टर महोदय का निर्देश था कि एनएच के जो पियर्स हैं उसके नीचे हम लोग पार्किंग के लिए व्यवस्था करें। तो एनएच की टीम आज इसी के लिए आई थी, तो उनको हम लोगों ने बताया कि 1 फरवरी तक वो 3 स्पॉन का ट्रायल बेसिस पे यहाँ पर पार्किंग का स्पेस डेवलप करेंगे और वो दिखाएंगे किस तरह से वो पार्किंग स्पेस काम करेगा। उसके अलावा जो सड़क ख़राब है, सर्विस रोड जो है इसमें गड्ढे हैं, तो उसका पैच वर्क भी वो 10 दिन में कम्प्लीट करेंगे। इसके अतिरिक्त इनका नाली का कार्य चल रहा है, तो नाली के कार्य में भी इनको तेज़ी लाने के लिए बोला गया है। जो फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स ऊपर ट्यूबुलर पोल्स लगे हैं, तो उसको हम लोगों ने बोला है कि उसमें थोड़ा आकर्षक रोप लाइट्स सफ़ेद कलर का लगाएंगे तो थोड़ा एक सुंदरता बढ़ेगी। तो यही सब एनएच के अधिकारियों को और जो एजेंसी आई है उनके कंसल्टेंट्स को हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। एसोसिएशन है, व्यापारियों का जो एसोसिएशन है उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हीं से हम लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पर पार्किंग एरिया उपलब्ध है। जैसे जैसे वो स्पेस बताते जा रहे हैं हम लोग पार्किंग एरिया डेवलप करते जा रहे हैं। नहीं, उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमको पूरी सूची मिली है कि पार्किंग की व्यवस्था होने के बाद भी जहाँ पर पार्किंग के लिए उन्होंने स्टोर रूम बना दिया पार्किंग स्पेस को या किसी अन्य प्रयोजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन सबको हम लोग नोटिस देकर कार्रवाई करेंगे। साथ ही निगम आयुक्त ने फ्लाईओवर के साथ साथ खराब सर्विस रोड को भी 10 दिनों के भीतर ठीक करने की जानकारी दी। भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।